टमाटर की तीखी चटपटी चटनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे प्याज टमाटर की बहुत ही टेस्टी चटपटी सी चटनी की रेसिपी, जिसे कि आप दाल चावल के साथ साइड डिश की तरह खा सकते हैं। इसके लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच राई। 3 से 4 लहसुन की कलियों को हमने बारीक काट करके ले लिया है। लहसुन को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इसका कच्चापन दूर करेंगे। हल्का सा इसे हम फ्राई कर ले रहे हैं। ध्यान रखें लहसुन जो वो जले नहीं। अब हमने इसमें कटा हुआ हरे मिर्च डाल लिया है, 1 कटी हुई प्याज डाल लेते हैं। तो मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे डाल लें। ज़्यादा तीखा पसंद है तो उस हिसाब से ज़्यादा मिर्च आप इसमें यूज़ कर लें। प्याज को करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम को यहाँ पर मीडियम पर रखा है। अब हम फ्लेम को लो पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो प्याज है वो हल्के पक चुके हैं। तो अब हमें मसाले डालने हैं, और मसाले डालने से पहले फ्लेम को कम ज़रूर कर लें। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे इन सबको। अब हम इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे। फ्रेंड्स, कभी भी मसालों को लो फ्लेम पे ही पकाएं। हाई फ्लेम पे पकाने से मसाले जो है जलने लग जाते हैं। यहाँ पे हमने 2 से 3 टमाटर को काट करके डाल लिया है। टमाटर बिल्कुल लाल होंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। अब इसे हमें करीब 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। नमक डालने से टमाटर जो है वो जल्दी ही गल जाते हैं। टमाटर हमारे पक चुके हैं, तो अब हम इसे मैश कर लेते हैं। तो अगर आपको मैश नहीं करना हो तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैश कर लेने से इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आ जाता है, स्वाद भी काफ़ी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, जो टमाटर की चटनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। आप इसे रोटी पराठे के साथ या तो फिर दाल चावल के साथ साइड डिश की तरह खा सकते हैं। खाने में इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे मैश किया हुआ है। थोड़ा सा अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है हमने, 3-4 चम्मच जैसा ही पानी डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं, और अब हमें इसे ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। तो इस तरह से बीच बीच में हमने इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पका लिया है, और देख सकते हैं हमारे जो ये टमाटर की चटनी जो बन रही है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो चुकी है, और ये बन करके तैयार भी हो गई है। झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे हमने कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल लिया है, मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा तीखी और चटपटी सी हमारी चटनी जो है वो बन करके तैयार हुई है, और आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टमाटर की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएँ।